किसी शॉप पे गया, उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस आपको ये सुनकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।